आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू के करारे चिप्स, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और आप इसको फास्ट में भी खा सकते हैं या नॉर्मली डेज में भी खा सकते हैं, रेड चिली मिर्च पाउडर और नॉर्मल सॉल्ट डालकर भी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आलू के चिप्स, तो जिसमें आपको धूप वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको आपको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस आपके इंस्टेंट आलू के चिप्स बनते हैं ये। तो इसलिए मैंने अभी आपके लिए दो आलू लिए हैं, ये दो बड़े आलू हैं। ये पहाड़ी आलू भी कहा जाता है इसे, और ये सर्दियों में सर्दियों में ज़्यादातर आता है ये। इसका जो है इस तरह से छिलका होता है, वो बहुत हल्का होता है। देखिए कितने आसानी से उतर रहा है ये। मैंने दो आलू लिए हैं, आप चाहे ज़्यादा आलू भी ले सकते हैं। इनका स्वाद बहुत ही नमकीन आता है और ये इसमें मॉइस्चर भी नहीं होता है ज़्यादा। और लिया है मैंने थोड़ा सा नमक, ये सेंधा नमक है, 1 चम्मच सेंधा नमक है। और हम लेंगे ऑयल चिप्स को फ्राई करने के लिए। मैंने इन आलूओं को बहुत अच्छे से धो लिया है और इसको हम पिलर से छील लेंगे। मैंने इन दोनों आलूओं को छील लिया है इस तरह से। और हमें छीलने के बाद इसको धोना बिल्कुल नहीं है, एक टॉवल लेना है और टॉवल से आलू को अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि हमें दोबारा वॉश नहीं करना है, नहीं तो उसमें पानी भर जाएगा। इसी तरह से अब हमें दूसरे वाले आलू को भी अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब हम इसको कद्दूकस करना स्टार्ट करेंगे। अब हमें एक ये कद्दूकस लेना है, इसमें हम ये ब्लेड जो है हमारा, इधर से हम आलू को रख के और कसना स्टार्ट करेंगे। हमें आलू को इस तरह से रखना है और पतले पतले स्लाइसेस इसके निकाल लेने हैं। अब मैंने सारे स्लाइसेस कर लिए हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। और देखिए इस तरह का आपका साइज़ होना चाहिए, मोटा पतला ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे और ना ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने सभी जो स्लाइसेस हैं इस टॉवल पर लपेट कर इस टॉवल पर रख दिया है, और फिर दूसरी तरफ से इसको अच्छे से थोड़ा सा जो उसका पानी है वो उसमें टॉवल में सोख लेंगे। और मैंने ऑयल भी फ्राई होने रख दिया है, ऑयल गर्म होने रख दिया है। जब हमारा ऑयल हो जाएगा तो हम इसमें चिप्स डाल देंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसको हम इस तरह से चेक कर लेते हैं, अच्छे से हीट आ रही है। अब जो मेरे चिप्स हैं उनको मैंने ड्राई कर लिया था, देखिए बिल्कुल इसमें पानी आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब हमने मैंने गैस हल्दी कर दी है और इसको हम वन बाय वन डालना स्टार्ट करेंगे। और हमें इसको बहुत जल्दी जल्दी डालना है और वन बाय वन डालना है, सारे हम एक साथ नहीं डालेंगे। और देखिए जो आपका ये चिप्स है वो डालने के साथ ही काफ़ी बबल्स आ रहे हैं इसमें। हम इसको एक बार पलट लेते हैं। देखिए अब सारे बबल्स आने बंद हो रहे हैं, अब हम इसको उतार लेते हैं। तो ये मेरे बंगर रेडी हैं, इन पे अब आप सौंठ लगा लीजिए, जितना आप खाते हैं कम ज़्यादा उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए। और अगर आपके फास्ट हैं तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं और काली मिर्च भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, इसी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, इनके साउंड सुनिए कितनी क्रश आ रही है ये। वाह, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये, बिल्कुल मार्केट की तरह जैसे आते हैं ये। तो आप इसे बनाइए और खाइए, बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।